बाड़मेर के गर्ल्स कॉलेज के पास बच्चों एवं युवाओं में संस्कारों एवं हिंदू धार्मिक ग्रंथों का बोध करवाने के साथ ही उन्हें संस्कृत में बोलना सिखाने, धार्मिक ग्रंथ गीता कंठस्थ करवाने को लेकर पिछले 3 माह से प्रत्येक रविवार को कक्षा संचालित की जा रही है। इस कक्षा में 15 से 20 बच्चे भाग ले रहे हैं। कक्षा का संचालन साध्वी रितंबरा के शिष्य पुरुषोत्तम दास गुप्ता है, उनकी पुत्र वधु संगीता गुप्ता द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाली इस कक्षा में बच्चों को वैदिक ज्ञान देने के साथ ही गीता के श्लोक का मर्म बताकर उनमें संस्कार निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बाड़मेर के गर्ल्स कॉलेज के पास बच्चों एवं युवाओं में संस्कारों व हिंदू धार्मिक ग्रंथों का बोध करवाने के साथ ही उन्हें संस्कृत में बोलना सिखाने, धार्मिक ग्रंथ गीता कंठस्थ करवाने को लेकर पिछले 3 माह से प्रत्येक रविवार को कक्षा संचालित की जा रही है। इस कक्षा में 15 से 20 बच्चे भाग ले रहे हैं। कक्षा का संचालन साध्वी रितंबरा के शिष्य पुरुषोत्तम दास गुप्ता एवं उसकी पुत्रवधु संगीता गुप्ता द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाली इस कक्षा में बच्चों को वैदिक ज्ञान देने के साथ ही गीता के श्लोक का मर्म बताकर उनमें संस्कार निर्माण का कार्य किया जा रहा है। शिविर संचालक एवं जिला एवं सेशन न्यायालय बालोतरा के सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि वे इसके अतिरिक्त वात्सल्य धाम में बतौर सचिव कार्य संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाड़मेर में यह अब तक का पहला प्रयास है जहां निःशुल्क बच्चों को धार्मिक ग्रंथों व संस्कारों का ज्ञान करवाया जा रहा है ताकि बच्चे संस्कारवान बने और धर्म के प्रति समर्पित रहे, बच्चों को गीता का ज्ञान मिले और संस्कृत और संस्कृति के भूले नहीं। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल से ही भारत में संस्कारों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना और समाज दोनों का कल्याण करता है। ये संस्कार इस जीवन में ही मनुष्य को पवित्र नहीं करते, उनके पारलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते हैं। सनातन धर्म के संस्कारों का विशेष महत्व है। इनका उद्देश्य शरीर, मन और मस्तिष्क की शुद्धि और उनको बलवान करना, जिससे मनुष्य समाज में अपनी भूमिका आदर्श रूप में निभा सके। संस्कार का अर्थ होता है परिमार्जन, शुद्धिकरण। हमारे कार्य, व्यवहार, आचरण के पीछे हमारे संस्कार ही होते हैं। अभी तक हमने गीता में 20 श्लोक सीखे और उसके अलावा भी बहुत से श्लोक सीखे जिससे हमें ज्ञान मिले। और गीता में एक हमने अध्याय पूरा किया, इससे 12वां अध्याय हमने पूरा किया और उससे बहुत हमें सीख मिली। ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थलमचलन ध्रुवम संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय। जो आज के समय में पूरा संसार और संसार के अधिकतम व्यक्ति अवसाद में जी रहे हैं, उस अवसाद से निजात पाने का एकमात्र तरीका संसार ने जो ज्ञात किया है वो श्रीमद् भगवद गीता है। रामायण काल में तुलसीदास जी ने जरूर ये कहा है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो के होए। उस समय में ये सिद्धांत चलाया था कि राम के भरोसे तुम सो जा, जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। ये आत्मतया रुक सकती है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से पिछले 5-6 महीनों से स्वामी श्री गोविंदा देव जी आचार्य जी के जो मार्गदर्शन में जो बाल गीता संस्कार कक्षाएं चलती है उसी अनुरूप यहाँ बाड़मेर में ये कक्षा चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में ये बीज रोपित करके गीता का इनको कंठस्थ करवा के इनके अनुवाद इनको बता के इनका सही उच्चारण बता रहे हैं, इससे वाणी शुद्ध हो जाती है और बोलने में उनकी जबान खुल जाती है। इनको एक उसका इनकी एक जिज्ञासा पैदा होती है, इन जिज्ञासा की पूर्ति होती है, ये अवसाद से उभर के आते हैं। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जो गीता का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसका ये कि हम छोटा सा प्रचार एक छोटे से घर में कर रहे हैं जिसमें मोहल्ले के और इधर उधर के जो बच्चे हैं वो सादर आमंत्रित है। पुरुषोत्तम दास गुप्ता द्वारा संचालित इस कक्षा में बच्चे भी प्रत्येक रविवार को लगन के साथ भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही वे गीता के श्लोक कंठस्थ करने और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि दिखा रहे हैं। इस क्लास में 15 से 20 बच्चे भाग ले रहे हैं।